खबर टोडा भीम से। देश में पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों एवं चौतरफा मूल्य वृद्धि के विरोध में गुरुवार को सुरोट तहसील मुख्यालय पर कांग्रेसियों ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ धरना दिया एवं विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र की मोदी सरकार को निकम्मी सरकार बताया। हिंडौन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रमोद तिवारी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पेट्रोल डीजल गैस एवं बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में गुरुवार को सुबह 10 बजे सूरत कस्बे के कांग्रेसी यहां गांधी स्मारक मैदान में एकत्रित हुए। इस दौरान बढ़ती महंगाई को लेकर सभी कांग्रेसी यहां गांधी स्मारक मैदान में केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे वरिष्ठ कांग्रेसी बत्तू मेंबर प्रमोद तिवारी, विश्राम मीणा, जाहिर खान आदि कांग्रेसियों ने कहा कि एक तरफ जब केंद्र में कांग्रेस समर्थित डॉक्टर मोहन सिंह की सरकार थी तब पेट्रोल 40 से 50 के मध्य आसानी से मिल जाता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है महंगाई आसमान छूने लगी है। पेट्रोल के दाम 100 पार कर चुके हैं। डीजल पेट्रोल एवं गैस के दाम बढ़ने से रोजमर्रा की सभी वस्तुएं महंगी हो चुकी है, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इसके बाद सभी कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीघ्र ही डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं किए तो उन्हें भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। धरना प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेसी बत्तू मेंबर, हिंडौन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रमोद तिवारी, विश्राम मीणा, जहीर खान पंचायत समिति सही सदस्य सिंह ठेकेदार, राजीव शुक्ला, शिंभू शर्मा, रिंकू मीणा, मंजर राम प्रताप, पारासर बली गिरदावर, उप सरपंच श्याम सुंदर सैनी, मोहन सिंह, मीना धनावली, रामचरण मीणा, राम अवतार सैनी, राहुल मीणा, नीरज बंसीवाल, शिवकेश मीणा, खुशवंत मीणा, फजलाल खान, रोशन खान, दौलत केदार, ब्रजेश सत्येंद्र, पुरुषोत्तम जाकिर, राम किशोर जाटव सहित काफी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे।